पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय हॉकी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आज उसे हर हाल में जीत चाहिए, क्योंकि उसका मुकाबला आयरलैंड से हो रहा है और इसके बाद जो उसके दो मैच बचे हुए हैं वो दो टफ टीमों के साथ बचे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम के साथ। तो क्वार्टर फाइनल की राह उसकी आसान हो जाए उसके लिए जरूरी है कि आज भारत की हॉकी टीम आयरलैंड को पराजित करे, और हो सके तो बड़े अंतर से पराजित करे। तो आज भारतीय टीम को क्या कुछ करने की जरूरत है, किन खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं, रिकॉर्ड क्या कहता है भारत और आयरलैंड के बीच, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कूप और मैं हूं राकेश रंजन। पेरिस ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से होने जा रहा है। ये एक पुल मैच है, भारत पुल बी में है, और आयरलैंड से अगर हम उसके मुकाबले की बात करें तो देखिए, अगर दोनों टीमों के बीच जो अब तक हॉकी के मुकाबले हुए हैं उसके रिकॉर्ड्स आप देखें तो वो आपको भारत के पक्ष में दिखते हैं। भारत और आयरलैंड के बीच अब तक 8 मुकाबले हॉकी में खेले गए हैं, जिसमें से 6 में भारतीय हॉकी टीम को जीत मिली है, एक मैच ही जीतने में आयरलैंड की टीम कामयाब रही है और एक मैच ड्रॉ रहा है। अगर आप आखिरी मैच की बात करें जब भारत और आयरलैंड के बीच फरवरी में मुकाबला हुआ था, तब भारत ने आयरलैंड को 4 गोलों से बड़े अंतर से पराजित किया था, तो वो भी भारत के पक्ष में दिखता है। आप आखिरी 5 मैच की अगर बात करें तो वहां भी आपको 4 मैच भारत के पक्ष में दिखेगा। तो रिकॉर्ड्स भारत के पक्ष में हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हॉकी में हर दिन नया होता है, तो अगर आज आपको मुकाबला जीतना है तो भारतीय टीम को आज बेहतर प्रदर्शन करना होगा। और इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए करना यह होगा कि जो मौके आपको मिलते हैं उसे आप भुनाएं। देखिए, बॉल पोजीशन तो आपके पास है, सर्कल पेनिट्रेशन भी भारतीय टीम बखूबी कर रही है, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की बात कर लीजिए या अर्जेंटीना के खिलाफ आप मैच की बात कर लीजिए। लेकिन सर्कल पेनिट्रेशन के बाद भी आप पेनल्टी कॉर्नर तो अर्न कर रहे हैं, लेकिन मैदानी गोल उस तरह से नहीं हो पा रहा है। तो जो मौके मिल रहे हैं उसे भुनाने की कोशिश करनी होगी भारतीय फॉरवर्ड्स को। और यहां पर जो मनदीप हैं, अभिषेक हैं, ललित उपाध्याय जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, गुरजंत हैं, सुखजीत हैं, तो इन्हें जो है जैसे ही अवसर मिलता है कोशिश यह करनी है कि गेंद को गोल के अंदर डालें। इसके अलावा जो पेनल्टी कॉर्नर भारतीय टीम अर्न कर रही है, जैसे उसने अर्जेंटीना के खिलाफ 10 पेनल्टी कॉर्नर अर्न किए लेकिन तब्दील कितना हुआ, सिर्फ 1। तो ये जो कन्वर्जन रेट है इसे बेटर करने की जरूरत है। कम से कम जो पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन है वो 30% तो होना ही चाहिए, मतलब हर टीम में 1 गोल तो आपको करना पड़ेगा। यहां पर भारतीय टीम चूक रही है। इसके अलावा जो ओपनिंग डिफेंस में मिल जा रहा है अपोनेंट को, उसे भी भरना होगा, वो गैप नहीं बनना चाहिए। तो ये कोशिश जो है भारतीय टीम को आज जो है वो आयरलैंड के खिलाफ करने की जरूरत है। तो भारत के कुछ खिलाड़ियों पर निर्भर है। देखिए, ये आज का मैच भी पीआर श्रीजेश पर हमेशा की तरह बहुत कुछ निर्भर करता है। भारतीय दीवाल उन्हें कहा जाता है, गोल पोस्ट के अंदर जब वो होते हैं तो थोड़ा सा डिफेंस हो या बाकी टीम हो, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होता है कि श्रीजेश गोल पोस्ट के अंदर है। इसी तरह से हरमनप्रीत जो है वो एक मैच विनर के तौर पर सामने आ रहे हैं। आपने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो विनिंग गोल 59वें मिनट में उन्होंने ही लगाया था पेनल्टी स्ट्रोक से, और फिर अर्जेंटीना के खिलाफ इक्वलाइजर जो है उन्होंने ही लगाया 59वें मिनट में। तो हरमनप्रीत अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो हमारे फॉरवर्ड हैं इन्हें थोड़ी सी और कोशिश करनी है और मिले हुए मौकों को भुनाना है। मिडफील्ड जो है भारत का वो हमेशा से स्ट्रांग पॉइंट रहा है, क्योंकि वहां एक्सपीरियंस्ड मनप्रीत हैं, वाइस कैप्टन हार्दिक सिंह हैं, शमशेर हैं, राजकुमार पाल हैं, विवेक सागर प्रसाद हैं। तो जो मिडफील्ड है भारत का वो आपको मजबूत दिखता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आयरलैंड के खिलाफ भारत की हॉकी टीम एक
बड़ी जीत दर्ज करेगी और इस मैच के पूरे अंक अर्जित करेगी ताकि उसके क्वार्टर फाइनल का जो रास्ता है वो बहुत साफ हो जाए। भारतीय हॉकी टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।